ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज भी मेरे पास बहुत सारा माइनक्राफ्ट कॉमेडी एंड जुड़ो कॉमेडी की न्यूज़ है। वीडियो को अंत तक देखते रहना एंड आल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही तुम लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात करते हैं चपाती गमर के बारे में। तो जैसा कि ऑलरेडी यार मैंने तुम्हें बताई रखा है कि चपाती गमर अभी रिसेंटली इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं, एंड ऑल्सो उनको इंडिया का वेदर कैसा लगा, एंड ऑल्सो उनको इंडिया में आकर कैसा लगा, इसी के ऊपर में यार वो रिएक्ट करते हैं अपने रिसेंट वाले व्लॉग में। एंड बाकी वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोगों ने सुन लो। भाई धका दिया यार, सिर्फ 3 राउंड पर जाने का मौका मिला और सबसे पहले ना घर जाकर ना अपने जो ब्लॉग के ना ब्लॉग डिस्कॉर्ड के जो मॉड्स है ना उनको पकड़ता हूँ। आपको तो पता है गाइस मेरे को धूप वगैरह ज्यादा पसंद है, तो जब भी उनसे बात करता हूँ चपाती भाई इंडिया आना भाई, धूप होती है धूप, आग बढ़ती है ऊपर से आग। पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ और 3 दिन बारिश हो रही है और आज भी देख लो मौसम पूरा खराब है, हवा चल रही है, आधी राइडें इन लोगों ने बंद करके रखी हुई है। फिर मेरे को बोलते हैं इंडिया आग बढ़ रही है आग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर मेरे को फुल जो कि विराट कोहली एंड शाहरुख खान के फैंस के बीच में है। लाइक शाहरुख खान के फैन ये बोल रहे हैं कि शाहरुख खान इंडिया का किंग है, एंड विराट कोहली के फैन बोल रहे हैं कि विराट कोहली इंडिया का फैन है। तो ऑल्सो इसी वाली कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर टोटल गेमिंग भी अपना रिएक्शन देते हैं, एंड उन्होंने एक ट्वीट किया एंड वो कहते हैं विराट कोहली इज ग्रेटर देन ऑल बॉलीवुड स्टार। एंड ऑल्सो उसके बाद में वो एक और भी ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं भाई लड़ाई करते रहो मैंने अपना काम कर दिया। टोटल गेमिंग के यार इसी वाले ट्वीट के नीचे में एक रैंडम बंदा उनको रिप्लाई करता है, वो कहता है स्टार्स, मतलब कि यार वो बोले थे ना विराट कोहली इज ग्रेटर देन ऑल बॉलीवुड स्टार, तो ये बोलता है स्टार्स मतलब सबसे बड़े हैं। तो ऑल्सो इसी वाले बंदे का टोटल गेमिंग भी रिप्लाई करते हैं, एंड वो कहते हैं हाँ भाई वही चिल, अब बस देख लेना लोग कैसे पागल होते हैं इस ट्वीट को देख के। बाकी तुम्हारा यार क्या कुछ कहना है इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं बिक्सू के बारे में। तो कल वाली न्यूज वीडियो में ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था कि बिक्सू का न्यू सॉन्ग हमें काफी जल्दी देखने को मिलेगा जिसका नाम था एरिया सी। तो ऑल्सो इसी रिलेटेड वो थोड़ा सा कुछ और भी अपडेट्स देते हैं, लाइक वो अपने म्यूजिक वाले इंस्टाग्राम के पेज पे कुछ स्टोरीज डालते हैं एंड उन्होंने कहा इट्स टाइम। इसके बाद में वही यार कल वाला जो मैंने तुम्हें पोस्टर दिखाया था उसी पोस्टर को दिखाते हैं एरिया सी के, एंड वहां पर लिखा रहता है कमिंग सून, जिसके नीचे वो और भी लिखते हैं सीन्स लिट अप टाइम। एंड ऑल्सो यार उनका जो बिक्सू वाला चैनल है लाइक जो बिक्सू के नाम से है उसके ऊपर भी एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं एक दिन पहले ही, जिसमें वो कहते हैं तुम अब बस तैयार हो जाओ। तो यार बाकी यार तुम बिक्सू के न्यू सॉन्ग के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान का कल स्पॉटिफाई के ऊपर में एक न्यू पॉडकास्ट आया है आशीष चंचलानी के साथ में, एंड वहीं पर यार वो रिएक्ट करते हैं हेट के ऊपर में। लाइक कुछ कुछ टाइम है ट्रिगर्ड इंसान को काफी ज्यादा हेट मिलता है, तो ऑल्सो इसके ऊपर में यार क्या कुछ कहते हैं वो तुम लोग खुद ही देख लो। मैंने ना एक ना ऐसा ही छोटा सा फ्लेक्स था, ठीक है अभी मैं ना पॉडकास्ट पे बोल देता हूँ। तो क्या हुआ था, एक ऐसी एक यूट्यूबर है थोड़ा सा अभी अपकमिंग है, तो वो ना लाइव स्ट्रीम पे था, तो वो ऐसे ही मतलब रिएक्ट वगैरह कर रहा था, तो वो सार्कैज़म में स्ट्रीम कर रहा था, तो मैं उसकी स्ट्रीम पे चला गया एंड उसने मेरे को डिस्कॉर्ड पे इनवाइट कर लिया, तो बात बात करने लगे, तो उसकी ऑडियंस काफी ज्यादा यू नो होती है क्रिंज इंसान ये सब स्पैम कर रहे हैं। आई वाज चिलिंग, मैं मस्त एकदम चिल मार रहा, तो एक किसी को उसको ना सुपर चैट आई होगी, तो उसने वो सुपर चैट रीड करके मुझसे पूछा, कह रहे कि ये बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो यार एक बात बताओ, आपको ऐसा बुरा नहीं फील होता जब लोग आपको ऐसे बोलते हैं? मैंने कहा यार बोलने दे, ये गालियां दे रहे हैं पर इनके गालियां देने पे मेरे घर में डॉलर आ रहे हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। न्यू पॉडकास्ट आउट हुआ है सम्राट भाई के चैनल के ऊपर में, एंड वहीं पर यार वो बात करते हैं इसी चीज के रिलेटेड, क्या वो इन फ्यूचर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, बाकी वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोग खुद ही देख लो। फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई आप पे वीडियो बना रहा है एक्सपोज कर रहा है वो एक अपनी जगह है, लेकिन जो आपका नेचर है आप ऐसे कंटिन्यू रखोगे ना फुकरा भाई, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कुछ बनो ना बनो एक टाइम पे नेता जरूर बन जाओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। हाँ जेन्युइनली क्या रहता है ना, प्रकृति आपको वही चीज देती है जो आप जिसके लिए आप जिम्मेदार होते हो, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रकृति को आपके अंदर ऐसा व्यक्ति दिखेगा ना कि आप हाँ समाज का कल्याण कर सकते हो, भला कर सकते हो, आप लोगों को वो चीज दे सकते हो जिसकी उनको नीड है, तो नो डाउट समय आपको अपने वो बना देगा। और ये मैं आपको बहुत हिंदी में बता रहा हूँ, आधी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि पॉडकास्ट के शुरू में आपने इंग्लिश फेल दी थी। अब मेरे को समझ आ गया, सम्राट भाई ने बोल दिया है कि सीट मैं तुम्हारे को दिलवा दूँ।
तो आप इंटरेस्ट दिखाओ ना, आप इंटरेस्ट दिखाओ, आप हमारा नेता कैसा हो, सम्राट भैया जैसा, ठीक है। आप कभी इंटरेस्ट दिखाओ फुकरा भाई, बढ़िया बड़े बड़े बैनर छपवाएंगे, लेकिन आप सुनने मतलब अभिषेक नाम को थोड़ा फिर चलाएंगे अपन, वो अच्छा नहीं लगेगा ना, हमारे विधानसभा से फुकरा को वोट दे, सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा। पॉडकास्ट में फुकरा इंसान ने अपनी यूट्यूब अर्निंग को भी यार रिवील कर दिया, बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा तुम लोग खुद ही देख लो। अच्छा एस्टिमेटेडली कितना कमा लेते फुकरा भाई? एस्टिमेटेडली With brands या without brands? अरे ये सब नहीं, क्लियर बताओ भाई, मैं इतना कमाता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, जीएसटी विदाउट जीएसटी टैक्स एक्स ये सब नहीं, मैं इतना कमा लेता हूँ, क्लियर बोलना आसपास में, ऐसा नहीं एक सोनट खरीद लोगे। तो तुम एक एग्जांपल सेट करो ना, ऐसे डायरेक्ट बोलना अच्छा लगता है, इतने पैसे कमा लेता हूँ। हाँ तो आप तो कुछ भी बोल दो ना सम्राट भाई, इतना या धीरे बोल दो, मैं सामने बोल दूंगा। आईफोन लेने जाओ, हाँ तो 15-20 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। आईफोन कौन से वाले? 14 ना, 14 प्रो मैक्स, ठीक है मतलब 15-20। अब एस्टिमेटेडली आपको पता क्या रहता है ना फुकरा, इतने पार्ट को ही ट्रिम करके न्यूज़ वाले चलाते हैं। ओके सुपर, तो बने एक्स न्यूज़ की तरफ, तो बात कर लेते हैं टैडी गेमिंग के बारे में। तो रिसेंटली टैडी गेमिंग ने यार जॉन विक चैप्टर 4 मूवी को देखा है, ऑल्सो इसका वो रिव्यू देते हैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, एंड उन्होंने कहा जॉन विक चैप्टर 4 5 स्टार, भाई क्या बना दिया ये मूवी के लास्ट 1 आवर को मैं 10-20 बार देख लूं। एंड बाकी यार तुमने जॉन विक चैप्टर 4 मूवी देखी है या फिर नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके सुपर, तो बने एक्स न्यूज़ की तरफ, तो बात कर लेते हैं गेमर फ्रीड के बारे में। तो गेमर ने काफी ज्यादा इंस्पायरिंग सार पोस्ट किया था कल अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, जो कि उनके पापा के साथ में था। एंड आल्सो उसी वाली पोस्ट के कैप्शन में वो लिखते हैं, डिड माय फर्स्ट ब्रांड डील विद पापा, कांट टेल यू हाउ प्राउड आई एम। एंड आल्सो इसी वाले यार पोस्ट के नीचे में यस इज माय रिप्लाई भी रिएक्ट करते हैं इसी पोस्ट पे, एंड उन्होंने कहा प्राउड ऑफ यू मैन, जिसके नीचे गेमर फ्रीड भी यार रिप्लाई करते हैं स्मार्टीफाई का, एंड उन्होंने कहा मेरे भाई लव। ओके सबर, तुम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट न्यूज भी यार गेमर फ्रीड से रिलेटेड है। तो तुम्हें पता होगा कि जो गेमर फ्रीड का अंशु बिस्ट वाला चैनल है, उसके ऊपर में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स काफी जल्दी होने वाले थे, तो या वो ऑलरेडी वो हो चुके हैं, डॉसो इसी के ऊपर में वो रिएक्ट भी करते हैं। एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में एक स्टोरी डाली, एंड वो कहते हैं थैंक यू फॉर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे दोस्तों, तो या बाकी यार 4 मिलियन हो चुके हैं, तो यार फ्लीड एसएमपी की भी वीडियो काफी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी। ओके सबर, तुम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो तुम्हें पता होगा कि टेक्नो गेमर्स का GTA 5 का जो वीडियो था, उन्होंने बोला था कि वो 90 डेज के अंदर आ जाएगा, बट आल्सो आज 90 डेट ही है, एंड अभी तक यार हमें GTA 5 की वीडियो तो देखने को नहीं मिली उनकी न्यू। तो आल्सो क्या हमें GTA 5 की वीडियो टेक्नो गेमर्स की आज देखने को मिलेगी या फिर नहीं? तो आल्सो इसी के ऊपर में यार जो गेमर्स न्यूज़ है, उन्होंने आज इसी के ऊपर में रिएक्ट किया, एंड उन्होंने एक वीडियो बनाई इससे रिलेटेड, एंड बाकी वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोग खुद ही देख लो। हेलो गाइस, और चल बैठ जो GTA की वीडियो से रिलेटेड भाई 30 स्ट्रीम्स के अंदर भाई एक ही डेट दी थी कि जो कि भाई हैज 90, मतलब कि इस दिन वीडियो आ कर रही, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हैज 90 की वीडियो आएगी और भाई आज हैज 90 है। पर देखो जो मैं जो लास्ट की 3 स्ट्रीम्स में ये बात कही तो थी, पर उसके बाद वो जो कोरिया चले गए थे लास्ट 3 डेज के अंदर, अगर वो कोरिया नहीं जाते तो भाई मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, मुझे पता था भाई जो वैसे वीडियो डाल के रहेंगे क्यों भाई पूरे सीरियस है वो इस बार। पर दिक्कत ये कि भाई वो कोरिया चले गए और ऊपर से भाई उन्होंने कहीं पर भी GTA 5 रिलेटेड भाई उस 3 स्ट्रीम्स के बाद कोई भी अपडेट नहीं दिया कोरिया जाने के बाद, मतलब कि GTA 5 वीडियो वर्क स्टार्ट हो रखा है भाई, वीडियो एडिटिंग पे है या फिर वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, वीडियो जाने वाली है या फिर वीडियो वर्क इन प्रोग्रेस। उन्होंने जब कहीं पर भी लिटरली भाई कहीं पर भी कुछ भी अपडेट नहीं दिया इस चीज से रिलेटेड अभी तक। यहाँ पर देखो भाई दो ही चीजें हो सकती है, या तो रसूल भाई जो हमको सरप्राइज देना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी अपडेट वगैरह नहीं देंगे GTA 5 की वीडियो से रिलेटेड, सीधा वो वीडियो डाल देंगे आज सुबह 9 बजे, मतलब कि बंदे यार एकदम से पागल हो जाइए, क्या हो गया भाई अचानक से, मतलब कोई अपडेट नहीं दिया भाई सीधा वीडियो आ गया भाई तो भाई मचा दे जो। और इसकी दूसरी साइड डार्क साइड अगर अपन देखते हैं तो भाई इसका मतलब ये निकलता है कि जो बहन जो GTA 5 की वीडियो के ऊपर अभी वर्क जो अपना कंप्लीट नहीं कर रहे, वर्क कंप्लीट ना करो तो भाई वो क्या ही अपडेट डाल देंगे GTA 5 की वीडियो से रिलेटेड, मतलब उन्होंने एडिटिंग ना करी तो वो क्या ही कर देंगे, एडिटिंग डन हो गई या फिर एडिटिंग चल रही है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। एंड बाकी तुम्हें क्या लगता है यार कि क्या हमें टेक्नो गेमर्स की आज GTA 5 की न्यू वीडियो देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो या बट अपनी लास्ट न्यूज सेगमेंट की तरफ, जो कि है यूट्यूबर्स की न्यू वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले फ्लिक एम्पायर की न्यू वीडियो वॉच की है, यस स्मार्टीफाई की न्यू वीडियो वॉच की है, गेमर जतन की न्यू वीडियो वॉच की है, टेक एट ड्रोन की न्यू वीडियो वॉच की है, डैडी गेम्स की न्यू वीडियो वॉच की है, एंड ऑल्सो एंड्रू बी की भी न्यू वीडियो वॉच की है। तो सारी वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज थी, डाय जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं तुम्हें नेक्स्ट में बता दूंगा। न्यू सबमिशन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाएगी न्यू सबमिट करना, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।